सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र में अप्रैल माह में डॉक्टर प्रवीण शर्मा के क्लिनिक पर रात्रि के समय चोरी हुई थी, जिसमें चोर 2 लाख क्लिनिक में रखे हुए ले गए थे, जिसकी सूचना डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने थाना जनकपुरी में अंकित कराई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं क्लिनिक पर काम करने वाले कर्मचारियों को सर्विलांस पर रखकर अपनी जांच शुरू की। पुलिस को क्लिनिक पर काम करने वाले कर्मचारी पर शक था और उसी कर्मचारी को आज उसके साथियों सहित जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये माह अप्रैल में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी फिजिशियन हैं और उनकी क्लिनिक है, और रात में क्लिनिक बंद करके अपना चले गए। जब सुबह आके देखे तो उनका जो वहाँ पे कैश काउंटर में 2 लाख रुपया पड़ा था वो चोरी हुआ था, बाकी चीज़ें भी उसमें शटर वगैरह उसमें डैमेज हुआ था और उसमें सीसी कैमरा भी लगा था। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी उस घटना उस समय नहीं खुल पाई थी, लेकिन फिर भी इस घटना पे हमारी टीम लगी रही और इसका खुलासा हुआ है। और इसमें इस घटना के अगर मेन मुलजिम देखा जाए तो खुद इनका एक एम्प्लॉय था जो इनके क्लिनिक में काम करता था, और उसने ही इस घटना को अपने 2 अन्य साथियों से मिलकर अंजाम दिया था। 2 लाख रुपये उसमें पूरा चोरी हुआ था, उसमें 25,000 की बरामदगी हुई है इनसे, और एक फ़ोन खरीद लिया था उससे उन्हीं पैसों से, वो भी बरामद हुआ है, और इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, किस प्रकार से इसकी जानकारी हुई कि जिस बंदे ने चोरी की है वो दुकान के ही है रहने वाले, किस प्रकार? ये था उस पर इनके यहाँ जो काम करता था जिस पर डाउट था थोड़ा सा, पुलिस को भी, पुलिस ने पूछताछ की भी थी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद उसने इनके यहाँ काम छोड़ दिया, लेकिन पुलिस का पे शक था, सर्विलांस में था, अंडर सर्विलांस था वो हमारे, और उसी में कुछ बातें आई जिसने कहीं पर इस घटना का जिक्र किया अपने साथियों में, उसी आधार पर जब इसको गिरफ्तार किया गया और इसके साथियों को, तो इसने पूरा अपना जुर्म कबूल किया। तो पुलिस टीम को कितना इनाम दिया गया? पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है इस पूरी टीम को। अभी इसके बारे में और छानबीन की जा रही है कि इसके और किस थाने में मुकदमे हैं, उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।